वेलकम टू मूक एंड परमाणु टू द फिजिक्स सेशन। और आज हम बात करने वाले हैं अपने अगले टॉपिक के बारे में, जो है नॉर्मलाइजेशन ऑफ वेव फंक्शन। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था वेव फंक्शन और उसका फिजिकल सिग्निफिकेंस, और वहां पर हमने ये पढ़ लिया था कि कोई भी वेव फंक्शन नॉर्मलाइज होकर ही प्रोबेबिलिटी 1 दे सकता है। तो नॉर्मलाइजेशन क्या है और उसको हम न्यूमेरिकल के साथ कैसे पढ़ेंगे, ये हम इस वीडियो में देखेंगे। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि समय पर आपको मेरी सारी वीडियो मिल सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का टॉपिक है नॉर्मलाइजेशन ऑफ वेव फंक्शन। तो जो नॉर्मलाइजेशन है वो एक तरह की प्रोसेस है जिसके अंदर हम स्केलिंग करते हैं। स्केलिंग का मतलब है जैसे ये किसी कारण छोटा या बड़ा रह गया। मान लीजिए कोई खेत है, उस खेत में दो खेत हैं। एक खेत में बारिश की वजह से पानी ज़्यादा भर गया तो उसकी फसल खराब हो गई, तो उसको जो मुआवजा मिलके हम उसको कंपनसेट करते हैं, उसी तरह स्केलिंग एक मेथड है जिसमें कोई कम या ज़्यादा होता है तो उसको हम कुछ एडिशन देके, कुछ ऐड करके उसको इक्वल करने की कोशिश करते हैं। तो नॉर्मलाइजेशन क्या है? नॉर्मल करना है सबको। तो नॉर्मलाइजेशन इज़ अ प्रोसेस ऑफ स्केलिंग ऑफ वेव फंक्शन। वेव फंक्शन को नॉर्मलाइज या स्केल कैसे किया जाता है? सो दैट ऑल द प्रोबेबिलिटी एड्स टू वन, कि उसकी प्रोबेबिलिटी है जो वन हो जाए। यानी कि नॉर्मलाइजेशन ऑफ वेव फंक्शन कुछ इस तरह है कि वेव फंक्शन को हम किसी एक ऐसे कॉन्स्टेंट से मल्टीप्लाई करेंगे कि जो उसकी वैल्यू है, जो प्रोबेबिलिटी की वैल्यू है, वो वन हो जाए। तो क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर हम प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ऑफ पार्टिकल पढ़ रहे हैं, और वो जो प्रोबेबिलिटी है अगर वन ना हो तो हम उस पार्टिकल को लोकेट नहीं कर पाएंगे और वो यूजलेस है हमारे लिए। अगर मैं किसी भी पार्टिकल की यहाँ होने की प्रोबेबिलिटी बताऊँ, वो है मान लो 0.5 या 0.3 है, तो मैं इसका कोई भी यूज़ नहीं कर सकता, कोई भी उपयोग नहीं ले सकता इसका किसी भी काम में, क्योंकि मुझे पता ही नहीं है कि वो पार्टिकल यहाँ है या नहीं। सिर्फ 50% श्योर हूँ या फिर 30% श्योर हूँ। अगर मैं बोल दूँ कि प्रोबेबिलिटी 1 है तो मैं उस पार्टिकल को लोकेट कर सकता हूँ, यूज़ कर सकता हूँ, कुछ भी इम्पोर्टेंट या कुछ भी मैं वहाँ पर एक्सपेरिमेंट कर सकता हूँ। तो इसी तरह क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर अगर प्रोबेबिलिटी 1 है तो उसका हम यूज़ कर सकते हैं किसी भी पार्टिकल को लोकेट करने के लिए। तो फॉर ए वेव फंक्शन साई एक्स वाई जेड टी, द नॉर्मलाइजेशन कंडीशन मे बी रिटन एज कुछ इस तरह। जो वेव फंक्शन है इसका नॉर्मलाइजेशन कंडीशन कुछ इस तरह होगी कि टोटल प्रोबेबिलिटी है वो एड्स टू क्या हो जाए, वन हो जाए। तो इंटीग्रल माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी साई एक्स वाई जेड, साई का कंजुगेट एक्स वाई जेड डीटो, डीटो यानी कि वॉल्यूम एलिमेंट। तो ये हो गई प्रोबेबिलिटी इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम, यानी कि जो हमने कंडीशन पिछली वीडियो में पढ़ी थी प्रोबेबिलिटी की, जो इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम होती है, वो है ये इक्वेशन। अब इसको नॉर्मलाइजेशन कंडीशन भी कहा जाता है। तो वो नॉर्मलाइजेशन कंडीशन कब होगी? जब इसकी प्रोबेबिलिटी की क्या हो जाए, वन हो जाए। तो नाउ एनी वेव फंक्शन सेटिस्फाइंग द अबव इक्वेशन इज सेड टू बी नॉर्मलाइज्ड। अगर कोई भी वेव फंक्शन इस तरह लिखा जा सकता है, जैसे कि कोई वेव फंक्शन है साई वन, तो मैं उसको लिख सकता हूँ कुछ ऐसे, साई वन साई स्टार वन डी टो इंटीग्रल वन। तो इस फंक्शन साई वन को मैं बोल दूंगा नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन, यानी कि ये फंक्शन नॉर्मलाइज्ड हो चुका है या नॉर्मलाइज्ड है। अब हमारा क्वेश्चन ये है कि हाउ टू नॉर्मलाइज ए वेव फंक्शन, कि वेव फंक्शन को नॉर्मलाइज कैसे करें। जनरली जो वेव फंक्शंस हैं वो नॉर्मलाइज नहीं होते हैं। इट इज नोन दैट इफ साई इज मल्टीप्लाई बाई ए कॉन्स्टेंट ए टू गिव ए न्यू फंक्शन ए साई, देन ए न्यू फंक्शन ए साई इज ऑल्सो ए सोल्यूशन ऑफ वेव इक्वेशन। तो हमें कुछ एक ऐसा कॉन्स्टेंट लेट करना है जिसको मैं साई वो वेव फंक्शन है जो किसी भी वेव इक्वेशन का सॉल्यूशन है किसी भी पार्टिकल के लिए, जिसकी कोई भी वेव ट्रेवल कर रही है कहाँ कहीं भी पूरे स्पेस के अंदर। तो वो जो साई है वो उस वेव इक्वेशन का सॉल्यूशन है और ये बताता है कि पार्टिकल कहाँ है या वो वेव कहाँ चल रही है। अगर मैं उसको ए से मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये एक न्यू फंक्शन होगा और वो न्यू फंक्शन भी वेव इक्वेशन का सॉल्यूशन होना ज़रूरी है। तो वो कॉन्स्टेंट कुछ इस तरह चूज करना है कि मल्टीप्लाई करने के बाद कोई वेव फंक्शन बन जाए नया, लेकिन वो वेव फंक्शन सॉल्यूशन होना चाहिए ओरिजिनल वेव इक्वेशन का, तभी हम उस फंक्शन को नॉर्मलाइज कर पाएंगे।
The constant a is selected in such a way that new wave function is normalized. देखिए हमको कुछ इस तरह चूज करना है कि जो नया फंक्शन आएगा वो नॉर्मलाइज्ड हो जाए. तो हमारे पास नॉर्मलाइजेशन की कंडीशन है कि हमारे पास सबसे पहले एक वेव फंक्शन है साई और हम एक कांस्टेंट लेते हैं ए. अब ए साई एक वेव फंक्शन है नया जो कि इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है. तो हम नॉर्मलाइजेशन कंडीशन क्या लिखेंगे, ये लिखेंगे ए साई स्टार ए साई डी टो वन, यही है नॉर्मलाइजेशन कंडीशन. अब इसको अगर मैं ए को बाहर लेता हूं तो इसका जो एम्पलीट्यूड होगा वो स्क्वायर होगा. अब ये हमारे पास बच गया वन के बराबर. अगर मैं इस कांस्टेंट की ही वैल्यू निकालना चाहूं, क्योंकि हमें मल्टीप्लाई तो करना है ना किसी भी किसी चीज से, तो किस कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करें, तो वो वैल्यू हमने निकाल ली कि ए मोड स्क्वायर क्या है. तो मैं अगर ए को यहां रखता हूं, इसको बराबर के उस तरफ भेजता हूं, तो ये अपॉन में होगा. और मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ सेम इस तरह, यानी कि वन अपॉन इंटीग्रल साई स्टार साई डेल्टा टी. अब यहाँ पर जो ए है वो है नॉर्मलाइजिंग कांस्टेंट, ये वो कांस्टेंट है जो कि नॉर्मलाइज करेगा. और साई स्टार है कॉन्जुगेट, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट किसका, साई का, यानी कि वेव फंक्शन का. अब प्रोबेबिलिटी क्या होती है, प्रोबेबिलिटी होती है किसी भी फंक्शन वेव फंक्शन की, वो साई स्टार साई, ये हमने प्रोबेबिलिटी पढ़ी साई स्टार साई. अब यहां ए से मल्टीप्लाई करना है फंक्शन, क्योंकि हमारे पास ये है, तो कुछ ऐसा होगा. अब ए ए मैं कॉमन लूंगा तो वो कुछ ऐसा हो जाएगा. अगर प्रोबेबिलिटी डेंसिटी निकालनी है तो डी टो से मल्टीप्लाई कर दूंगा, लेकिन नहीं निकालनी, सिर्फ प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो हम डी टो से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे. तो हमारे पास कुछ ऐसा होगा. अब इसकी हमने वैल्यू क्या निकाली थी, वो निकाली थी वन ओवर साई स्टार साई. तो इसकी जगह पे मैं लिख देता हूँ ये. तो हमारे पास इक्वेशन आ गई पी इजल टू साई स्टार साई ओवर इंटीग्रल साई स्टार साई डी टो. अब ये हमारे पास हो गया कंप्लीट. अब एक बात हमारे पास ऑब्वियस हमें पता चला है कि जो पी की वैल्यू है, अगर मैं यहाँ पर कोई भी कांस्टेंट मल्टीप्लाई करता हूँ साई के साथ, यहाँ लिखा है कि पी रिमेन्स अनचेंज्ड इफ साई इज मल्टीप्लाई बाई एनी कांस्टेंट फैक्टर. जैसे ही मैं किसी भी कांस्टेंट फैक्टर से मल्टीप्लाई करता हूँ, लेट कर लो कि हमने बी से मल्टीप्लाई कर दिया, अब साई ऐसे है तो इसका कंजुगेट हो जाएगा कुछ ऐसे. अब मैं यहाँ इस क्वेश्चन में रखता हूँ बी साई स्टार बी साई ओवर बी साई स्टार बी साई डीटो. तो यहाँ से बी 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 स्क्वायर कॉमन हो गया, बी स्क्वायर कॉमन हो गया, कट गया. तो किसी भी कॉन्स्टेंट का अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो वो इफेक्ट नहीं डालता हमारी प्रोबेबिलिटी पी पर. ये बात सिंपली हमें समझ आती है. और इसी का अगर हम फायदा उठाएं तो हमारे पास एक, हम एक इंट्रोड्यूस करा सकते हैं एक फैक्टर, ऐसा फैक्टर जो कि डिनोमिनेटर है जो हमारा राइट साइड में, ये इसको यूनिटी कर दे. क्या कर दे, इसको वन कर दे, यूनिटी वन. तो पी की जो वैल्यू होगी हमारे पास वो सिर्फ क्या बचेगी, वो बचेगी साई स्टार साई. यहाँ से अगर ये वन हो जाए जो कि हमने ये लिखा है, तो ये बचेगा पी की सिर्फ वैल्यू. तो ऐसा कोई फैक्टर हमें ढूंढना होगा या फिर इंट्रोड्यूस कराना होगा जो कि राइट साइड को यूनिटी करके पी की वैल्यू साई स्टार हमें साई दे. डिनोमिनेटर को यूनिटी करने के लिए हमारे पास है ये डिनोमिनेटर. अगर डिनोमिनेटर को हम एन पुट करते हैं तो हमारे पास वैल्यू है ए मोड स्क्वायर जो कि हमने शुरू में लिखी थी इंटीग्रल साई स्टार साई डी टो. अब अगर ये एन है तो ये होगा वन बाई एन, ए जो है यहाँ पर ए स्क्वायर जो होगा वो वन बाई एन होगा. और अगर मैं यहाँ पर एक नया वेव फंक्शन इंट्रोड्यूस कराऊं साई वन, तब उस साई वन की जो वैल्यू होगी वो होगी वन बाई अंडर रूट एन साई, यानी कि ओरिजिनल फंक्शन. तो जो हमारा न्यू नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन होगा उसको हमने किस कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना है, ए स्क्वायर से, हमें पता है. तभी तो अगर हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो वेव फंक्शन नॉर्मलाइज्ड होगा. और इसकी वैल्यू वन करनी है इसलिए हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं. तो हमें इससे मल्टीप्लाई करना है और वो है एन, वन बाई एन. अब साई के लिए तो हो गया वन बाई एन. अब अगर साई स्टार के लिए करें, साई स्टार वन के लिए,
तब भी वन बाई एन। तो इस कंडीशन में वन बाई अंडर रूट एन, वन बाई अंडर रूट एन मिलके क्या होगा, वन बाई एन। यानी कि हमने किया क्या है, हमने वन बाई एन से मल्टीप्लाई कर दिया है पूरे इसको इसके साथ। अब हमारा जो वेव फंक्शन है वो वन बाई एन से मल्टीप्लाई के बाद, यानी कि इससे मल्टीप्लाई के बाद नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन बन गया है। तो सिर्फ हमें किसी भी वेव फंक्शन को नॉर्मलाइज्ड अगर करना है तो हम क्या करेंगे, एक ऐसे फैक्टर ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे जिससे वो क्या हो जाएगा, नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन हो जाएगा। और वहाँ पर नॉर्मलाइजिंग जो कॉन्स्टेंट है या कोफिशेंट है वो होगा अंडर रूट एन, इसके साथ हमने डिवाइड करनी है क्योंकि इसकी जो वैल्यू है वन बाई एन के बराबर है। तो अगर ए की वैल्यू क्या होगी, वन बाई अंडर रूट एन। तो ये है हमारा ओवरऑल कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पर ख़त्म होती है इस तरह ये वीडियो।